काठाफोड़ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में क्षेत्र की एकमात्र प्रयोगशाला भवन का कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। उल्लेखनीय है कि भवन निर्माण कार्य एजेंसी द्वारा संतुष्टिपूर्ण कार्य किया जा रहा है। नवनिर्मित भवन की रंगाई पुताई कार्य भी निर्माण कार्य एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। प्रयोगशाला के संबंध में जब प्राचार्य राकेश तिवारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि काठाफोड़ में वर्ष 2002 में हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी में उन्नयन होने के बाद से ही सुव्यवस्थित प्रयोगशाला की लगातार मांग की जा रही है। बिना प्रयोगशाला के गणित विज्ञान संकाय के विद्यार्थी मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। प्रयोगशाला हेतु प्राचार्य सहित नगर के जनप्रतिनिधि भी लंबे समय से प्रयासरत थे। इसी के फलस्वरूप समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 3 प्रयोगशाला एवं 2 शिक्षण कक्ष हेतु 73,87,000 की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई। सतवास से जीतू सिंह की रिपोर्ट। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काठाफोड़ का 2002 में हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में उन्नयन हुआ था। तभी से विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को प्रयोगशाला नहीं होने के कारण प्रायोगिक कार्य करने में असुविधा होती थी और उनका प्रायोगिक कार्य नहीं हो पाता था। विगत कई वर्षों से विभाग से और शासन से प्रयोगशाला की मांग की जा रही थी। उसी के तारतम्य में 2020 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 3 प्रयोगशाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 2 शिक्षण कक्षों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उसी स्वीकृति के अंतर्गत PIU के द्वारा ये प्रयोगशाला और शिक्षण कक्षों का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग पूर्णता की ओर है। प्रयोगशाला निर्माण के बाद बच्चों को प्रायोगिक कार्य के साथ साथ अन्य विज्ञान संबंधी प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में पूरी मदद मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।